गुड मॉर्निंग नाजरीन, मेरा नाम आदि रिजवान मल है। आज 2 अप्रैल 2020 जुमेरात की सुबह है और मेरा ख्याल है 12 बजने वाले हैं और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर चुके होंगे अपने घरों में बैठे भी। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और इन चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मेरी ये यूट्यूब की मेरा ख्याल है कोई चौथी या पांचवी वीडियो है जिसमें मैं इन बातों को बार बार बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदावन ने बहुत सारी बातें दी हैं बोलने के लिए, बहुत सारा कुछ मेरे पास मौजूद है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सोशल बातें करना ज़रूरी है। रोज़ बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ शहर में होते हुए, खबरों में सुन रहा हूँ, लेकिन आज एक और नई बात। हम अपना एटीट्यूड वैसा नहीं बना रहे जैसा हुकूमत चाह रही है। हम अपना रवैया, अपना अंदाज वैसा नहीं बना रहे जैसा हुकूमत चाहती है कि हम उनके साथ तावन करें। हम बार बार इस बात के लिए तो शायक रहते हैं, शौक रखते हैं कि हुकूमत अगर हमसे तावन करने की बात करती है तो हम तावन करें, हम उनका उनकी मदद करें। लेकिन जब मदद करने की बात है तो अगर वो राशन देने के लिए आ रहे हैं तो लोग छीना झपटी कर रहे हैं, खींचाता नहीं कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लीसियाई फेलोज ने, क्लीसियाई लोगों ने बताया कि जी कल वो भी उन कितार में लोगों के साथ शामिल थे, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने बांटना शुरू किया है, देना शुरू किया है, तो लोग छीना झपटी करते रहे। बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, हमें मिल नहीं रहे, और उसमें हमारा किरदार होना ज़रूरी है। हम कितार बनाकर उसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं। याद रखिए, अगर बारी पर मिल जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप हर एक चीज़ को शॉर्ट वे से हासिल करना चाहते हैं, हर एक चीज़ को अपनी मर्जी से हासिल करना चाहते हैं, अपने तरीके से हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो हमारे लिए बरकत का बायस भी नहीं होगा। यकीन माने, ये अंदाज हमें दुनिया में बहुत गंदा कर सकते हैं, हमें बेइज्जत कर सकते हैं, ज़ुल्म और रुसवाई का बायस बन सकते हैं। अपना किरदार, अपना रवैया, अपना अंदाज अच्छा बनाए। हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं और जब यीशु मसीह भी ऐसी चीज़ों की बात करता है तो याद करिए, यीशु मसीह ने जब वो 5,000 मर्दों को खाना खिलाया जहाँ पर औरतों और बच्चों की तादाद नहीं गिनी गई थी, तो लिखा कि बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक लोग थे कि आलम कहते हैं कि अगर बच्चों और औरतों की गिनती की जाए तो वो तकरीबन 12,000 के करीब लोग थे। लेकिन यीशु ने जब उनको खाना देने की बात की है तो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर उन पर बरकत दी है, उनको कहा है कि 20-20 की तादाद में कितारों में इनको बिठा दो। यीशु ने भी हमें तरतीब सिखाई है, हमें तरीका सिखाया है। तो यकीन माने, हम अगर इस तरीके को अपना लेंगे तो हमें खाने के लिए अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। खुदा जो हमारा मुहाफिज है, जो हर एक चीज़ देने का वादा करता है, वो हमारे हिस्से की चीज़ें हमें मिल जाएं। हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। मसीही होने के नाते अपना किरदार पेश करें, लोगों के सामने इन बातों का बयान करें, ताकि ये किरदार लोगों तक पहुँचे और लोग इन बातों से खुदा उनका इकरार करें। अगर आपका तरीका अच्छा होगा तो यकीनन देखने वाला भी आपकी तरह इन बातों को चीज़ें के लेने की कोशिश करेगा। इन तरीकों को अपनाएं और तब ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिल सकती है। खुदा आप सबको बरकत दे।